चक्रधारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। तो आज हम कंप्यूटर के एमसीक्यू प्रश्नों को करने वाले हैं, हम जो कि पटवारी के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडे, वायर फिडेलिटी, वायरलेस फीचर। तो वाईफाई का जो पूरा नाम होता है वो होता है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज क्या होता है? तो ऑप्शन है होम पेज, डोमेन, गूगल, याहू। तो वेब ब्राउज़र का जो पहला पेज होता है उसको हम लोग कहते हैं होम पेज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन है टेलीफोन लाइन, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। तो मॉडेम जो होता है टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन हैं मॉडेम, यूपीएस, रोम और फ्लॉपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपीएस। यूपीएस का पूर्ण फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब बाधा रहित बिजली की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड रे ट्यूब का उदाहरण है? हमारा ऑप्शन है यूपीएस, वेबकैम, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो सीआरटी का उदाहरण है हमारा मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? हमारे ऑप्शन हैं लिमिट एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिक एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क। तो LAN का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है ईथरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? तो नियमों और प्रक्रियाओं का सेट जो कहलाता है वो ऑप्शन है डोमेन, गेटवे, आईपी और प्रोटोकॉल। हमारे राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे छोटे ग्राफिकल चिन्ह जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन हैं आइकन, लोगो, इमेज, इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्राफिकल चिन्ह होते हैं उनको आइकन कहते हैं, हमारे ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में बग क्या होता है? ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एरर, वायरस। जो बग होता है वो कंप्यूटर का एरर होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट कहे, बाइनरी अंक 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीट, बाइट, किलोबाइट या मेगाबाइट। 0 और 1 को कहते हैं बाइनरी नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीट। नेक्स्ट है, MICR प्रणाली का प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर होता है? हमारे ऑप्शंस हैं हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बैंक, मदरबोर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैंक में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के किस सिग्नल के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं? हमारे ऑप्शन हैं डिजिटल, एनालॉग,
एसी डीसी, तो कंप्यूटर के सिग्नल जो है डिजिटल रूप में भेजते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट में प्रयुक्त तो होने वाली भाषा कौन सी है? तो हमारे ऑप्शन हैं जावा, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, कोबोल। तो कम जो इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा है वो है जावा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? तो नेक्स्ट है, ऑप्शन है वर्टिकली, हॉरिजेंटली, डायगोनली, ननाबदेव। तो मॉनिटर के डिस्प्ले के लिए हम लोग डायगोनली यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, पैरेलल पोर्ट में मुख्यतः किसे कनेक्ट करते हैं? ऑप्शन है जॉयस्टिक, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर। तो पैरेलल पोर्ट में हम लोग प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन है वीचैट, फेस रूम, फेस टॉक, फेस मैस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है फेस मैस, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डीबगिंग, बगिंग, पासवर्ड, कंपाइलिंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है डीबगिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी वेबसाइट नाम में HTTP क्या होता है? तो ऑप्शन है सर्वर, वेबसाइट का नाम, प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो HTTP जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है CPU, ALU, मॉनिटर, मॉडेम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ALU। ALU में जितने भी गणितीय संक्रियाएं हैं वो सभी किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स एक तरह का खाली स्थान है। ऑप्शन है CPU, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस। तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट तथा एल्टर कुंजियों को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन हैं फंक्शन, मॉडिफायर, नंबर, ननाबदेव। तो कंट्रोल शिफ्ट और एल्टर, इन तीनों कुंजियों को ही मॉडिफायर की कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, न्यूटन, डगलस एंजलबर्ट, बिल गेट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, डगलस एंजलबर्ट। नेक्स्ट है, लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, एक्सेसिबिलिटी और लॉग इन। तो लॉग इन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोड को संकेतिक शब्दों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इंक्रिप्शन, फायरवॉल, स्क्रैम्बलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलने की प्रक्रिया इंक्रिप्शन कहलाती है, इससे हमारे जो कोड होते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस होता है? ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, विंडोज टूल, हार्डवेयर। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, वायरस का विस्तार रूप क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं वाइटल रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च, वेरी इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ही हमारा वायरस का विस्तारित रूप होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेम का कौन सा प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं? ऑप्शन है ट्रैश मेल, ड्राफ्ट मेल, स्पैम मेल, वायरस मेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैम मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किसको इंस्टॉल करना चाहिए? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, फायरवॉल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल और इंटरनेट सिक्योरिटी ही हमारा इंटरनेट इंटरनेट को सिक्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है? ऑप्शन है जावा, HTTP, TCP/IP, HTML। तो TCP/IP जो होता है ये हमारा मानक प्रोटोकॉल होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसका प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं? ऑप्शन है सर्च इंजन, ब्राउज़र, मॉडेम, यूपीएस। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा ब्राउज़र का उपयोग करके हम सर्च इंजन पर ब्राउज़र का उपयोग करके हम वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है, यूआरएल क्या होता है? ऑप्शन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी कंप्यूटर या पेज का www पर एड्रेस। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ई सेलिंग, ई ट्रेडिंग, ई कॉमर्स और इनमें से कोई नहीं। तो ई कॉमर्स ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कुंजी है? ऑप्शन है Ctrl+E, Ctrl+F, Ctrl+Z, Ctrl+S। तो टेक्स्ट को ढूंढने के लिए हम लोग फाइंड की दबाते हैं, तो Ctrl+F ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन है स्टार्ट मेनू में, स्क्रीन के सबसे ऊपर और स्क्रीन के सबसे नीचे वाले भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो स्क्रीन के सबसे नीचे वाले भाग में जो होता है उसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ऑप्शन है माउस, पॉइंटर, कर्सर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्सर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता? तो ऑप्शन है रोम, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो रैम जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो है डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता। जैसे ही लाइट स्विच ऑफ हो जाता है रैम के सभी डेटा मिट जाते हैं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।